जी महाराज की जय। राम सरोवर की पाल के ऊपर और रामदेव जी और ब्रह्मदेव जी दोनों भाई खेलने लाग रहा और लक्खी बंजारो बालद भर के ले आयो। तो बालद में के भर रखे सीता मिश्री। तो रामदेव जी बंजारा ने देख के कह ला गया बंजारा ते भाई बालद में के भर रखे है। तो बंजारे मन में सोचो कि वो ठाकरा को लड़को है और इन्हें बता दियो कि मैं मिश्री है तो लगान लाग जाओ। तो पहले रास्तांगा टैक्स लागया करता आज भी लागे हैं। तो बंजारो कह लागे बालका इमें तो नमक है। तो रामदेव जी महाराज कह लागे भाई झूठ ना बोली। कह लागे ना जी में तो नमक ही है। तो बाबा रामदेव जी वो तो अंतर्यामी थे घट घट की जानने वाले थे। कहने लगे भाई जैसी तेरी भावना है वैसो ही फल थाने मिल सी कि जा बंजारा तू में नमक बतावे है तो करे अलग बाबा तुम्हें नमक ही होई होई। आप बंजारो बड़ो राजी होयो कि भी आज तो टैक्स बचा लियो। आप फलोदी कने से आगे और के बंजारे बालद ढाली सेठ लोगा ने इकट्ठा कर गए। कह लागे आजो भाई सीताली मिश्री ले आयो हूं। आप गालते ही मुंह खारो हो गयो क्योंकि वो तो नमक हो। सेठ कह लागे रे बंजारा ते बालद में नमक भर रखे और मिश्री बतावे। तो बंजारो कहन लगे सेठ जी एक बोरी में मिश्री की जगह नमक ही रखा करा खान पीन खातर रोटी पानी बनावा। तो गलती हूं नौकरा बा बोरी खोल ली दूसरी बोरी खोलो। आपके दूसरी बोरी खोली तो बीमई नमक। बंजारो कहने लगे नमक की तो आपा एक ही बोरी डाली मिश्री में और आ दूसरी कठू आ गई पर चलो गलती हूं नौकरा दूसरी बोरी चढ़ा दी होगी तीसरी बोरी खोलो। आपके तीसरी बोरी मिश्री की खोली तो भी मैं नमक। और बंजारो माथो पकड़ के रोयो अरे मैं लूट गयो मैं बर्बाद हो गयो मैं मिश्री लेके आयो और मेरो नमक हो गयो। सेठ लोग कहने लगे अरे भाई तू किसे रास्ते आयो हो के जी मैं तो पोखर ना और नेचे माकर आयो। तो भाई तन वहां बठे कोई मिलिया हा। बोले हां जी मिलिया। तो कौन मिलिया के दो छोटा छोटा और राजा अजमल जी का लड़का और बे खेलन लाग रहा बे मिलिया हा। तो भाई बात ने की पूछो। बोले हां जी पूछो। के पूछो कहने लगे बालद में के भर रखे है तो जी मैं टैक्स डर दो और झूठ बोल गयो मैं के भी मैं नमक है। तो बा में जो छोटो लड़को वो कहने लगे बोले जो करे वलक बाबे तो नमक ही होई। सेठ लोग कहने लगे अरे बेईमान का बच्चा वो रामदेव जी भगवान अवतार हुए है और तुम भी सामने झूठ बोल गयो। तू जागे बांगे पगा पड़ और नहीं तो भाई ते सारी पूंजी में लगा रखी है बर्बाद हो जाओ। अब बाबा रामदेव जी ने तो पतो कि भाई थोड़ी देर में वो आ जाओ। अब बंजारो रोमतो रोमतो और रुनेचे आयो। रामदेव जी महाराज का चरण पकड़ के रोन लागयो हे बाबा मेरी भूल होगी
और आप मने बख्श दो। तो रामदेव जी कहने लगे बंजारा तने कणी मार्यो कणी कूट्यो कणी लूट लियो। बोले ना महाराज मैं मिश्री वर्गे लायो और मेरो नमक हो गयो। कहने लगे अरे बेईमान का बच्चा तू ही तो कहो ही मैं नमक है। बोले हे महाराज मैं तो टैक्स डर दो और झूठ बोल गयो। तो भगवान कृपा निधान होते हैं करुणा के सागर होते हैं। कहने लगे बंजारा जो बोरी ते खोल ली बा मैं तो नमक ही रही और बाकी की तेरी मिश्री हो जाएगी। जा थोड़ो महंगे भाबोज। बोलो अजमल घरे अवतार की। तो बाबा रामदेव जी ने और मिश्री को नमक और नमक को फिर मिश्री में बदल दिया। बोलो द्वारका नाथ की जय। तो बंजारो हाथ जोड़ के कहने लगे हे बाबा मेरी आपके चरणा में एक विनती है कि मैंने जो भी मिश्री में और मुनाफो मिलेगो वो मैं मेरी पूंजी छोड़ गए और मुनाफो जो है वो महाराज मैं घरांक में लेके जाऊं आपके रुणेचे में लगा दूंगा। तो भक्तजनों पहले जो बाबा की बावड़ी थी वो कच्ची थी और वो बावड़ी जो है पक्की बाबा ने करवाई है। वो लक्की बंजारा ने बाबा की बावड़ी पक्की करवाई। बोलो अजमल घरे अवतार की। तो आप जब हारुनेचा धाम के अंदर जाते हो तो बावड़ी का दर्शन करे होगा गोदारा साहब। तो पहले वो कच्ची थी और लक्की बंजारे मिश्री में कमाई कर गए और बाबा रामदेव जी की बावड़ी जो है वो पक्की करवाई। श्रद्धालु जब बावड़ी का जल लेने जाते हैं तो उस बावड़ी का जल ग्रहण करने से रोगियों के रोग दूर होते हैं। बोलो द्वारका नाथ की जय। तो जब रामदेव जी महाराज 7-8 वर्ष की आयु में हो जावे तो एक दिन रामदेव जी महाराज ब्रह्मदेव जी हरबू जी सलारसी और स्वार्थो खाती तो ये बाबा रामदेव जी का संगलिया हा कट्ठा ही रहा करता। तो बीन इनके स्वार्थो खाती और रामदेव जी महाराज दोनों वन में घोड़ा चराने लाग रहा। तो मक्के का 5 पीर हा जो मक्का मदीना है सऊदी अरब में। अब रामदेव जी महाराज की प्रशंसा जो है दूर दूर तक चली गई के हिंदुआ में एक ऐसो पीर प्रकट हुयो है जो बड़ा भारी पर्चा दे है और एक जगह बैठो बैठो हाथ पसार गए और झाज तक तिरा दे। तो पीरा मन में विचार करे हो कि चलो भी अपन देख गया वहां कैसो हिंदुआ में कौन पीर प्रकट हुयो है जो दूर दूर तक हाथ बदागे और काम करे। तो मांगा जो वे जीवने का कटोरा हा वे जमीन खुदागे जमीन के मां बूर दिया और ऊपरा छो लेंटर बना दियो और 2-4 पहरेदार छोड़ दिया कि भाई उरे कोई हाथ उतावे तो भी ने बाढ़ दियो। अब पीरा को पहनाओ वे काली तेंबल कालो कुर्तो हाथ में डंडा सिर पर टोपी। तो उस दिन रामदेव जी महाराज और स्वार्थो खाती दोनों वन में घोड़ा चराने लाग रहा और परनऊ पीर आ गया। अब पीर रामदेव जी महाराज ने देख के कहने लग गया
अरे भाई घोड़ा चराने वाले इत्थे कोई रामला पीर रहंदा है? तो रामदेव जी महाराज कहन लागे भाई एक रामलो तो मनी क्या करे। बोले भाई मैं भी तेरी बात कौन करा जो दूर दूर तक हाथ पसारे मिस्री को नून बना दे है, नून ने मिस्री बना दे है, भी पीर की बात करा। तो कहन लाग्या चालो जी मैं आपने भी घर छोड़ दू। अब स्वार्थ खाती मन में विचार करो कि ये तो पांच है पीर और रामदेव जी है अकेलो। अगर आंगी बाणी ऊंची नीची होन लागी तो डंडा ले रखे है मारी बहुत, तू घरा वा चाल। अब स्वार्थ खाती रामदेव जी ने अकेलो वन में छोड़ गए और डर तो घरा बाजी है। आप घर आ गए और कमरे के मां बढ़ गए और भीतर कुंवार जड़ लिया और भीतर बैठ गए। स्वार्थ की माता कहने लगी रे स्वार्था तू रामदेव जी के सागे गए हो और भाई तू जल्दी वापस क्यों आ गयो? बोले मां रोला ना करे पांच छह काले कुर्तियां रारे हर बांगी सत्संग होने लग रही है और बाणी हो हरि सिंह जी थाने पते ऊंची नीची होने लग जाए वो। अब रामदेव जी महाराज पीरा ने कहने लगा पीरो चालो मैं आपने जिन्हें आप पीर समझ के आया हो ब्यू मिलवाऊं। तो गर्मी को टाइम हो रामदेव जी महाराज और पांचों पीर साथ साथ आन लाग रहा। तो रास्ते में कोई नदी नालो आयो पीर कहन लाग्या भाई घोड़ाला? बोले हां जी। बोले माने गर्मी लागे है और मैं स्नान करांगा थोड़ी देर तू इंतजार कर। रामदेव जी महाराज कहन लाग्या बोले जी भाई नालो मैं थोड़ी देर खड़े हूं। अब पीरा जो है बड़े स्नान करो और वे जो गिल्ला तेमल हा बे के बा ऊपर ने फेंकिया नागे तो पांचू पीरा ने छाया होगी और वे तेमल जो है ऊपर ऊपर सूखदा चल जा। तो रामदेव जी महाराज मन में विचार करे हो कि पीरा आपकी करामात दिखाई है तो थारे वर्गा बुद्धि जीव कवे कि ईंट को जवाब पत्थर देना चाहिए। रामदेव जी महाराज के गले में हरे रुमाल साफो हो। आप साफो निकाल गए और के ऊपर फेंक्यो तो आल वरण में सारे विश्व के अंदर छाया होगी। बोलो अजमल घरे अवतार की जय हो। पीर कहन लग गया अंधेरा सा केवे होया? अब देखे तो सारी दुनिया के ऊपर छाया हो रही। पीर कहन लग गया कमलो ए रामला पीर तो अपने नाल ही चलता है पर चलो वेखांगे नु। अब्बा तो सोच रहा कि नहीं भी वो हाथ बदाई कटोरा लेन खातर। अब रामदेव जी महाराज तो घट घट की जान नाला सीधा ही जो है स्वार्थ खाती के घर आया। तो स्वार्थ ने एक सर्प निकल के काट लियो। स्वार्थ जो है काल प्राप्ति हो गयो घर का रो को मचा रखियो और स्वार्थ ने आंगन में सुआ रखा। अब रामदेव जी महाराज स्वार्थ है खाती के घर आया पीरा के सामने हाथ जोड़ के कहने लगे पीरो ओ मेरो बचपन को साथी है और मेरो बहुत पक्को दोस्त है वो और इंगी अकाल मृत्यु होगी इन्हें सर्प काट लियो। जिंदा नहीं होगा। तो रामदेव जी महाराज कहने लगे जी आप तो बड़ा भारी मक्के का बड़ा पीर हो दूर दूर तक आपकी प्रशंसा सुनी है। तो रामदेव जी महाराज कहने लगे जिंदा करो इन्हें। बोले मरेड़ा जिंदा को नहीं हो। तो बाबा रामदेव जी स्वार्थ के मुंह पर चादर हटा गए कहने लगे रे स्वार्था
घरा मेहमान आया है और तू भाई चादर ओढ़ के सो गयो, आंगी सेवा बंदगी कौन करी? अब बैठे हो अभी तो कहंदा है के स्वार तो खाती बैठे हो गो। बोलो द्वारका नाथ की जय हो। तो बाबा रामदेव जी ने स्वार्थ खाती को जीवन दान दिया। अब पीर देखे दमर में गादड़ देखे जी, यो काम अपनों तो को नहीं हो भाई, पर चलो इन्हें देखांगा। अब रामदेव जी महाराज पांचू पीरा ने के अपने घरा ले आया, कह लगे पीरो रसोई को टेम हो रही है और बैठो रसोई करो। तो प्यारे भक्तजनों, भोजन में भोजन सबसे उत्तम भोजन माना गया है खीर। तो बाबा रामदेव जी ने पीरों के लिए खीर का प्रसाद बनवाया और पीर कहने लगा रामदेव जी हम आपके घर खाना नहीं खा सकते। तो रामदेव जी कहने लगे क्यों नहीं खा सकते, हिंदू मुसलमान का भेदभाव मानते हो? बोले जी ना। तो बोले मारो एक नियम है। के नियम है के मैं तो मारे ही बर्तना में जिम्या करा, बे जो मारा कटोरा है पतो नहीं बे मक्के में रह गया या कहीं रास्ते में रह गया, मारे याद को नहीं और मारे बर्तना बिना में जिमा को नहीं। तो रामदेव जी महाराज कहने लगे भाई तो मोटो नेम तो मेरे को नहीं, पर एक छोटो सो नेम है कि मेरे घर जो कोई भी आ जाए है मैं बिने भूखो कौन जान दू, वो मेरो नेम है। तो पीर कहने लगे जी मारा बर्तन वार मारा कटोरा वार तो मैं बड़ा प्रेम हूं थारे घरा रसोई करा। अब रामदेव जी महाराज बात करदा करदा और कह लगे बोले देखो पीरो थारा कटोरा ये है के। अब देखे तो पांचू पीरा कटोरा जो है बाबे के हाथ में आ जावे। बोलो अजमल घरे अवतार की जय हो। पीर कह लगा ये मेरे आला, वो कह मेरे आला, उन्होंने कमलियां नू नींद आ गई उसका हाथ नहीं बढ़िया। अब पीर के बैठ के रसोई करी है, हाथ जोड़ के कहन लग गया हे बाबा मैं तो पीर हां पर तू पीरांगोई पीर है। तो बढ़े बाबा रामदेव जी महाराज ने और पीर की उबाति मिली। बोलो रामदेव पीर की जय हो। तो पीर कहन लग गया बाबा मैं आपके हिंदुस्तान में आया हां तो आपके सागे मारी भी कोई थोड़ी बहुत यादगार होनी चाहिए कि पांच पीर मक्के का रामदेव जी महाराज मिलन आया हा तो आपका जम्मा जागरण होवेगा, आपको गुणगान होवेगो और आपको मेलो लागेगो, तो थारे सागे मारी भी याददाश्त और यादगार होनी चाहिए। बाबा रामदेव जी कहने लगे देखो भाई और राजस्थान घणो ही मोटो पड़े है, थारे जो दी में आवे वो थे बनाओ। अब पांचों पीरा के नीम की दांतल तोड़ी है और दांतल कर गए और वे दांतल के जमीन के मां गाड़ी तो के अपनी करा मा तू और वहां पांचों पीरा जो है पांच पीपली उगा दी। तो ये तस्वीर में नजर आवे पांच पीपली बाबा की। तो जब हम रुनेचा धाम के अंदर और रामदेवरा स्टेशन पर खड़े होते हैं और उत्तर की तरफ देखते हैं तो जब वहां बाबा की पिचरंगी नेजा और फरकती आपको नजर आएगी, कम से कम 2 किलोमीटर है स्टेशन से। तो वहां उन पांचों पीरों ने वो पीपली लगा रखी है। श्रद्धालु वहां रुनेचा धाम के अंदर जाते हैं तो वहां जाकर के उन पीपली के भी दर्शन करते हैं। तो वो पांच पीपली पीपल के पेड़ है वो पीरों ने लगाए। तो पीर कहने लगे महाराज अब आप हमें इजाजत दो
और हम अपने धाम को मक्का जाना चाहते हैं। तो बाबा रामदेव जी कहने लगे, हां जाओ। अबे हरि सिंह जी उस वक्त जी चीज में बैठ के आया हा, वो कोई भी टेम को उड़न खटोल नो या हवाई जहाज कुछ भी हो, अबे बिंग मां बैठे और भी ने उड़ने को ऑर्डर दियो, तो वो के 5-10 हाथ ऊंचो उठे और पच हो जमीन पर पड़ जावे। तो बाकी एक मेरे पर के सुन ली, बोले भाई पीसे कन पीसो आवे। अब बैंक खुल्यो जब वो भूनाल रुपयो ले गए बैंक में चले गयो। अब जागे भी लॉकर का नहीं, वो यूं करे रुपये ने। अब कई देर तक हाथ दुखन लाग गयो, वो आप अड़े छूट गयो मां पड़ गयो। तो बैंक के आगे जो पेरेदार बैठे वो बोले भाई केक रहे हैं, बोले यार पीसा पीसा खेचा वो मेरा लो पड़ गयो। बन सोचो कोई बेवकूफ है, बोले तन पता को नहीं बैंक में रुपया ज्यादा है, वो बांक गयो जब आजा। अब मुंह कर पूर खाईडी बछड़ती हो जी और चाल पड़े हो। तो कहे अबे पांचों पीर जो है 5-10 हाथ ऊंचा उठे और पाछाई जमीन में आ जाओ। तो वहां पांचों पीरां की जो कब्र है पंजाब के अंदर बलराम जाखड़ जी को गांव है पंचकोसी, अबोर और पंचकोसी के बीच में वो पांचों पीरां की कब्र बनी हुई है और वहां पीरां को मेलो भी लागे है। तो बाबा रामदेव जी वापस बाने मक्के को अंजान दिया, हिंदुस्तान में राख लिया। बोलो पीरों के पीर की जय हो। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भेद रहने ना दिया, मान और सम्मान ते पीरों का किया। तो रुनेचे वो एक सेठ हो, नाम हो बोए तो सेठ एक बहुत ही और गरीब आदमी हो, नून मिर्च की दुकान कराया करतो। तो एक दिन सुबेरे सुबेरे बाबा रामदेव जी और बोयता राम जी सेठ ने मिल गया। सेठ जी रामदेव जी ने देख गए, प्रणाम करी, हाथ जोड़ गए, अरदास करी, बाबा जी राम राम। तो रामदेव जी महाराज कहने लगे, सेठ जी के काम करया करो हो। हे महाराज, आपके रुनेचे में और मेरी नून मिर्च की दुकान है और मेरा बच्चा मैं पालू हूं। तो रामदेव जी महाराज कहने लगे, सेठ जी आप तो लक्ष्मी पुत्र हो और कोई बड़ो व्यापार करो। कहने लगे, महाराज बड़ो व्यापार करने के लिए तो विदेश में जानो पड़े और ना मेरे कने पूंजी है और विदेश में मैं किया जाऊं। तो रामदेव जी महाराज एक आरती को रूप बना गए और के बियाबान जंगल में बंद मिलिया। कहले सेठ जी माने आर्डर हो बाबे रामदेव जी को और ये पीसा है ले जाओ और आप विदेशा में कोई व्यापार करो। तो बोयता राम सेठ बाबा रामदेव जी के आगे कहने लगे, हे बाबा आपका सुबेरे सुबेरे दर्शन होया तो एक भलो मानस मैंने घरे आगे पीसा दे गयो, तो रिपियाओं में के करूं। बोले भाई विदेशा में जाके व्यापार कर और उड़े रुनेचे मेरा मेला लगेगा और मेरा यात्री आवेगा, तो आप सेठ लोग हो कुछ धर्मशाला आश्रम वगैरह बनवाओ। तो विदेशा में जाओ तो सेठ की डरपोक हो बाबे रामदेव जी आगे विनती करे कि हे बाबा परदेशा में तो समुंदर बहुत है,
तो बाबा रामदेव जी महाराज कहन लाग्या, तो बोईता राम जी बाणियों बाबा आगे के बिनती करे के अपनी राम सभा सुने। हाँ, अरे परदेसा में बाप जी समुंदर घना आडा, अरे तुम्हें पानी रे में डूब मर जावा जियो, पानी रे में डूब मर जावा जियो, खम्मा 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 रे कमर अजमाल रा, बाप जी रो पार कोनी मारे अन्नदाता रो भेद कोनी पायो जियो, अरे जोई जोई धावे बांगे बापो पे कोई आवे, जोई जोई धावे रे से ताई चुके पावे, ओ पापी रे नुगरा से अरदा जावे जियो, ओ पापी रे नुगरा से अरदा जावे जियो, खम्मा 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 रे कमर अजमाल रा, अन्नदाता रो भेद कोनी पायो जोई जोई धावे बांगे देखो देखो आवे, जोई जोई धावे बांगे देखो देखो आवे, पापी रे नुगरा से दूरा जावे दियो, पापी रे नुगरा से दूरा जावे दियो, मेहर करो अजमाल जीरा बाबा रामदेव भगवान की जय हो। तो ये बाबा बोईता राम बाणिया का पर्चा है, ध्यान पूर्वक सुनिए। के परदेसा में बाप जी समुंदर घना आडा, तुम्हें पानी रे में डूब मर जावा। तो बाबा रामदेव जी कहने लगा, सेठ जी अगर आप में कोई भीड़ पड़े तो माने याद कर लियो। सेठ मन में विचार करियो, यो रे रुने चम बैठा है, याद करें तो क्या फर्क पड़े है। तो बाबा रामदेव जी कहे, अरे अब की पड़े तो सेठा, अरे हेलो माने कर जो, थारे में कोई भीड़ पड़े तो माने याद कर लियो। अरे अब की पड़े तो सेठा हेलो माने करे जो, थारो हेलो सुनने बेगा आवा जियो, थारो हेलो ने संभाल बेगा आवा जियो, खम्मा 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 रे कमर अजमाल, बाप जीरो पार कोनी पायो जियो, मारे अन्दा तारो भेद कोनी पायो जियो, अरे जोई जोई धावे बांगे बापो पे कोई आवे, जोई जोई धावे बांगे बापो पे कोई आवे, पीरे नुगरा से दूरा जावे जियो, पीरे नुगरा से दूरा जावे जियो, महल करो अजमाल जीरा मेरा। बोल बाबा रामदेव भगवान की जय हो। सेठ जी आप में अगर कोई भीड़ पड़े तो माने याद कर लियो, मैं थारो हेलो सुनने और बहुत जल्दी आवा। तो कुछ लोगों ने थोड़ो थोड़ो विश्वास हो कि भी ये कुछ कुछ जाने हैं, कोई छू मंत्र जादू मंत्र जाने हैं, बीते में बे लोग भगवान को नहीं मान्या करता बाबे ने। तो सेठ कहने लगे, हो बाप जी अगर मैं राजी खुशी घर आ गयो तो एक पांच ईरांगी माला और मैं आपके गले में पिराऊं। तो भगवान के वचन दे दिया कि जाओ सेठ जी आपको काम सिद्ध होवेला। अबे तो सिद्ध पुरुषा युग पुरुषा और बहुत अच्छे समाज सुधारक थे बाबा, नशा के बारे में भी बाबा बहुत प्रचार करे कि दारू बीड़ी सिगरेट बांग दतूरा को सेवन ना करया करो भाई।
तो के बोयता राम पानियों और के विदेशा में चले जावे तो बाबे रामदेव जी की कृपा हूं और के छह महीना में ही बड़ी भारी तरक्की करी और सेठ के करोड़ों की दौलत इकट्ठी कर ली। तो जी पर बाबा की नजर हो जावे तो वो एक क्षण में ही आसमान में बिठा दे। अब सेठ घर चालने की तैयारी करी, मन में विचार करो कि तू रामदेव जी महाराज हूं, वचन करो कि एक पांच हीरा की माला और थारे गले में उपहार के रूप में मैं डालूंगा। अब जौहरी की दुकान में जागे और सेठ हीरे को मोल पूछो तो एक हीरो 1.25 लाख को। अब सेठ आंगलियां पर हिसाब करो कि पांच हीरा का तो कई लाख रुपया हो गया, ए तू रामदेव जी ने घरे बैठे ले जार दे दी तो तेरे घरे के बच्चो। रामदेव जी तो संत है, भगवान है, सत्संग करे है, ईरांग और बांगो के मेल बाने तो एक लुद्राक्ष की माला ले जार दे जो बैठा फेरे जी। बाबे रामदेव जी मन में विचार करो के आगे बड़ो करीब करूर आवे हैं और लोग मन्नत मांगी के बाबा मेरो काम सिद्ध कर दे तो मैं थारो जागरण लगा हूं, थारे रुने चे धोक लगा गया हूं, काम सिद्ध होने के बाद में तन के काम पूछी। तो ही बंजारे ने कुछ सबक सिखानो चाहिए। अब बोयता राम ने आ माला तो मैं अपने लड़के के गल में घालू तो पैर के फिरी तो बड़ा बड़ा सेठ राजी होई के भाई लड़को हीरांगी माला पेरे बैठे है तो कह रिश्ता लेन लग जी। अब रामदेव जी महाराज सेठ के मन की बात जान गए और बाबो के बोयता राम ने परचो दिखावे। अब जाज गए मां बैठ गए सेठ और घर आवे तो जब जहाज समुद्र के बीच में आई तो बाबे रामदेव जी और एक मनशा रूपी बाके कह करे गोदारा साहब सुनामी। हां अब मूड पसीम तो गोगो सारा ही धोके के दुख में सुमरन सब करे सुख में करे ना को, जे सुख में सुमरन करे तो दुख काए को हो। आप कहे उत्तरादी और दिखनादी दोनों तरफ की हवा चला दे बाबा रामदेव जी और सेठ की जहाज जो है दोनों हवाओं के बीच में आ जावे और के वार्ता बने के अपनी राम सभा सुने। अरे उतराद दिखना दरावे लाग्या रे फटकारा तो वे झाजड़ लीरा पड़ता पाटा जियो, वो झाजड़ लीरा पड़ता पाटा जियो, उतराद दिखना दरावे लाग्या फटकारा उतराद दिखना दरावे अरे झाजड़ लीरा पड़ता पाटा जियो, ओ झाजड़ लीरा पड़ता पाटा जियो, ओ धन धन द्वारे काला नाथ तेरी माया ने माया रो पार कोनी पायो जियो, अरे माया रो भेद कोनी पायो जियो, अरे जोई जोई धावे बांगे बाबो बे कोयावे बोलो बाबा रामदेव भाई।
जय हो। के उतराद दिखनाद रावे लाग्या फटकारा और बे झाजड़ लीरा पड़दा पाट्या। अब जाज गे मां पानी बढ़न लाग जावे, जो जहाज को पायलट हो कमांडर कहन लागो, सेठ जी आप जहाज कंट्रोल बार होगी और मैं तो इन्हें किनारे कानी लाने की सोचूं और आ धक्कों धार के धक्के जान लाग रही है। तो जहाज में पानी बढ़ना शुरू हो गयो और आप कोई देवी देवता ने मनाओ और मेरे तो बस की बात को नहीं। आप सेठांगा देवता हुए नीमनाथ जी, पारसनाथ जी, श्याम जी और देवी। अब देवी तो करगी खेवी। अब 200-400 आदमी जहाज के मावर सवार हा, कहन लग गया बड़ा आज धन कमान आया और अठे पानी के मां डूब रहे मरहा मच्छी मगरमच्छ खाई। आपके सेठ के आंख में कान में नाक में पानी बढ़ने लग जावे और बाबा रामदेव जी सेठ के हृदय में प्रकट होवे कि जब तू घराऊं चाल्यो तो रामदेव जी उते वचन करयो और वे कहा कि तेरे में कोई भीड़ पड़े तो मैंने याद कर ली। तो इन मोटी भीड़ और तेरे में के पड़ी, अब तो जान जान की टेम आ रही है और याद कर भी धनी ने जो आवे तो बोयता राम बाणियों और बाबा रामदेव जी ने याद करे और के वार्ता बने और के अपनी राम सभा सुने। हाँ अरे थारो कहनो मान बाबा विदेशा में आयो। हे बाबा मेरी जहाज पानी में डूबन लाग रही है और आप कड़ी हो तो मेरी पुकार सुनो और मेरी नैया ने किनारे लगाओ। तुम्हारी झाजड़ली ने पारे उतारो जियो। अरे थारो केनो मान बाबा विदा समय आयो। ओ थारो केनो मान बाबा विदा समय आयो। तुम्हारी झाजड़ली ने पारे लगाओ जियो। तुम्हारी झाजड़ली ने पारे लगाओ जियो। भीड़ पड़ी रे धनी बेका बेकायावो। ओ भीड़ पड़ी रे धनी बेका बाबा सारा ना दुखड़ा मिटाओ जियो। बाबा सारा ना दुखड़ा मिटाओ जियो। जोई जोई दावे बांधे बाबो बेगो आवे। पापी नुगरा जोयर खावे जियो। ओ पापी नुगरा से अंगो आवे जियो। अरे जो धानो ध्यावे बाबा बिकानो ध्यावे। जो धानो ध्यावे बाबा बिकानो राजा रे महाराजा थाने ध्यावे जियो। ओ राजा रे महाराजा थाने ध्यावे जियो। ओ पीरा में पीर बाबो राम दे परगटा। पीरा में पीर बाबो राम दे परगटा। ओ हिंदू मुसलमान ध्यावे जियो। ओ हिंदू रे मुसलमान ध्यावे जियो। धन धन द्वारका नाथ तेरी माया ने माया रो मेहर करो अजमाल जी राखवेरा। बोलो अजमल घर अवतार की जय। बोयता राम बाणिये पुकार करी कहे बाबा थारो भरोसो कर गए और मैं छोटा छोटा टाबर घरे छोड़ गया हो। नी मेरो नून हल्दी धनियो बेच के टाइम पास करो।
हे मने कहो के भीड़ पड़े तो माने याद कर ली बाबा यूं मोटी भीड़ और के पड़ी मेरे तो नस आता पानी आ गयो। तो बीते में कहे भक्तजनों बाबा रामदेव जी और हरबू जी बाबा रामदेव जी महाराज का मोशियाई भाई हा। तो बाबा रामदेव जी गोत्र का तंवर हा और हरबू जी सांखला जाति का राजपूत हा। तो मैणा दे पोखरन ब्याडी ही और जो मैणा देगी बहन ही बैंकती ब्याडी सांखला गोत के राजपूतांगे। तो बैंकती जो है रुणेचे हूं और 16 किलोमीटर है और राजस्थानी भाषा में कोस बोले तो 3 कोस है। तो वे मौसी का बेटा भाई या हरबू जी दोनों भाइयों को बड़ो भारी प्यार हो। एक दो दिन अगर जे वे अलग अलग हो जाया करता तो या तो रामदेव जी बांकने चला जाया करता और या बे रामदेव जी कने आ जाया करता। तो बड़ो भारी प्यार हो दोनों भाइयों को। तो हरबू जी और रामदेव जी के चौपड़ खेलने लाग रहा। तो बेंगती के रस्ते में और रुनेचे के रस्ते के बीच के मां सेंटर के मां एक मेले की जाल बोले है तो बहुत बड़ी जाल है आज भी वह मौजूद है। पैदल यात्री बढ़े जावे है तो बट भी जालगा और भी धरती का दर्शन करे के भी अठे बाबो बैठा करता खेलिया करता। और वह जाल जो है चारों पासों यूं जमीन के ऊपर लाग रही है। एक बार तो अगर 10 आंगल बरसात आ जाए तो भी बैठे पानी को नहीं आवे। इस तरह को जुगाड़ बन रहे है आज भी वह मौजूद है। पैदल यात्री जावे तो बैठे बाबे की जाल का दर्शन करे। बोलो अजमल घरे अवतार का जय। तो कहे अब रामदेव जी महाराज के यूं कर गए और चौपड़ फेंकी है और चौपड़ फेंकता ही कह बाबे रामदेव जी महाराज की बोयता राम की झाज जो है 750 गोस के ऊपर तिरा दी। बोलो अजमल घरे अवतार की जय। तो बी टेम के बी झाज गो और रामदेव जी महाराज को 750 कोस को फांस लो। अब बोयता राम की झाज जो है उठा गए और बाबे एकदम किनारे के ऊपर ले गए रख दी। और सेठ जो वा 5 ईरानी माला गाल रखी जेब में बा माला रामदेव जी महाराज काट ली। तो हरबू जी चौपड़ खेलता खेलता और ध्यान करयो तो बाबे रामदेव जी की भुजा गए और के समुद्र का झाग लाग रहा। तो समुद्री जो झाग है बांगी भक्तजनों दवाई बने सुरमो बने समुद्री झाग जो है पंसारी की दुकान पर मिले। अब हरबू जी ध्यान करो कहने लगे ये तो समुद्री झाग है और आपा सुबेरे गौरे बैठा चौपड़ खेलने लाग रहा और ये समुद्र का झाज आंगी भुजा के ऊपर कुकर ला गया। तो हरबू जी कहने लगे भाई जी आपकी भुजा के ऊपर और समुद्री झाग लाग रहा है। तो रामदेव जी महाराज यूं झटका के कहने लगे अरे भाई कोई पसीनो आ गयो होगो। बोले ना महाराज पसीनो तो कोनी ये तो समुद्र का झाग है। तो कहने लगे हरबू भाई इस वक्त अपने गांव को जो बोयता राम बाणियो है बिंगी झाज समुद्र में डूबे ही और बन मने याद करो तो भाई मैं बिंगी झाज तिराई है। बोले महाराज कितनी दूर है। बोले और भाई 750 कोस है 1 किलोमीटर तभी चले है जी। तो हरबू जी कहने लगे भाई जी मारे बरगा तो झूठ बोल जे चाल जे थे ही झूठ बोलन लग गया। आप तो संत हो बड़ा प्रचारी हो समाज सुधारक हो और आपने आबाद शोभा कौन देवे।
कहने लगे क्यों भाई? बोले सुबेरे का आप मेरे सामने बैठे हो, उठ के घूमन फिरन ही कौन गया और गप मारी है कि मैं 750 कोस पर जाल तिरा दी। तो बाबा रामदेव जी कहने लगे हरबू आपकी घड़ी और टेम लिख ले, जब वो अपनो सेठ आवे तो थेबा ने पूछ लियो।